हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके का एक कैमरा स्ट्रैप। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसको बैम्बू से बनाया है। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का एक कस्टमाइज्ड बैम्बू स्ट्रैप, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ले लेना है कुछ इस तरीके का एक लंबा सा कपड़े का टुकड़ा, जैसे आप देख सकते हैं। और मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके सिलवा के रखा है। आप भी कहीं पे ट्रेलर के पास जाके इस तरीके से सिलवा के ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरीके का कपड़ा नहीं है तो आप रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई सा भी कलर चल जाएगा जो आपको पसंद हो। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें ले लेना कुछ इस तरीके का एक बैम्बू। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसको राउंड शेप पे कट करके रखा हुआ है। अगर आपके पास इस तरीके का बैम्बू कट करने के लिए नहीं है तो आप बारबेक्यू स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे कट करके रखे हुए हैं इस तरीके के। और फ्रेंड्स, इसको हमें अब अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेना है, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको हमें पीस पे कट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये आराम से कट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से टूट जाता है इजीली। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के हमें बहुत सारे पीसेस कट कर लेने हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पीसेस कट कर लिए हैं। और हमें ले लेना है वही पहले वाला कपड़ा, जैसे आप देख सकते हैं। और हमें ले लेना है एक सुई और धागा। और फ्रेंड्स, ये वाला जो धागा है, ये फिशिंग के लिए जो यूज़ होता है वही वाला धागा है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हम लेंगे 2 सुई, जैसे आप देख सकते हैं। और हमें साइड बाय साइड हमें स्टिच कर लेना है। और फ्रेंड्स, स्टिच करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं, मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ। और बैम्बू को इस तरीके से बीच पर लगा के साइड से कुछ इस तरीके से कपड़े को मोड़ देंगे, तो हमारा स्टिच करने के लिए थोड़ा बहुत जगह मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, मैं सुई को इस तरीके से बैम्बू के राउंड पे स्टिच कर लूँगा, जैसे आप देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत हम टाइट कर लेंगे तो ये अच्छी तरीके से पकड़ लेगा धागा हमारा बैम्बू को। तो फ्रेंड्स, हमें इसको इस तरीके से 2 राउंड स्टिच कर लेना है, जैसे आप देख सकते हैं, ताकि ये हमारा बैम्बू अच्छी तरीके से कपड़े पे फिक्स हो। तो फ्रेंड्स, हमारा एक साइड का हो चुका है कंप्लीट, जैसे आप देख सकते हैं। और दूसरे साइड का इस तरीके से और फिर मोड़ देंगे, जैसे पहले का जो पहले वाला मोड़ा था उसी तरीके से, और स्टिच कर लेंगे दूसरा वाला नीडल और धागे से, जैसे आप देख सकते हैं। इसको भी उसी तरीके से 2 बार हमें स्टिच कर लेना है, जैसे आप देख सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा हो चुका है अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम दूसरा वाला और बैम्बू लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और सेम प्रोसेस पे हमें इसको भी वही प्रोसेस पे स्टिच कर लेना है, जैसे हमारा पहले वाला बैम्बू को स्टिच किया था। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से हमारे जो पूरा कपड़ा है उसके ऊपर पे सारा बैम्बू लगा के कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा स्टिच करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, तो जल्दी हो जाएगा, आप लोग का टाइम बच जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसको स्टिच करके। जैसे आप देख सकते हैं, सारे बैम्बू मैंने इसके ऊपर लगा लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 नॉट भी बांध के रखे हुए हैं, ताकि हमारा ये टाइटली फिक्स रहे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्पेस रखा था मैंने पहले, इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे, जैसे आप देख सकते हैं। और इसको भी इस तरीके से मोड़ देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें इसको भी स्टिच कर लेना है, तो फिर मैं स्टिच करके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसको स्टिच कर लिया दोनों साइड पे, जैसे आप देख सकते हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है कपड़ा, इसको हमें कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और जो इसका टिप्स है, इसको भी इस तरीके से कट कर लेना है आपको दोनों साइड पे, इसी तरीके से कट कर लेना है। और जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और फ्रेंड्स, हमें ले लेना है कुछ इस तरीके का एक स्ट्रैप। और फ्रेंड्स, मैंने इसको कट करी है एक छोटा सा बैग से, और इसको हमें इस तरीके से दोनों के बीच में फंसा के इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके का स्ट्रैप पसंद नहीं है, अगर आपको दोनों साइड पे अलग अलग चाहिए, तो इस तरीके का जो स्ट्रैप है, 2 पीस कट करके आप इस तरीके से दोनों साइड पे लगा के कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। पर मैं इस कंडीशन पे मैं एक ही स्ट्रिप डाल के कुछ इस तरीके से फिक्स करके बना लूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं इन दोनों को कुछ इस तरीके से फिक्स करके स्टिच करके आपको दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया और जैसे आप देख सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारा स्ट्रैप। तो फ्रेंड्स अब हम लेंगे कुछ इस तरीके का एक क्लिप, जैसे आप देख सकते हैं इस पे कैनन का ब्रांडिंग भी बना हुआ है। फ्रेंड्स मैंने ये मेरा अपना कैनन का जो स्ट्रैप होता है उसी में से निकाला है और फ्रेंड्स इसको हमें इस तरीके से ही लगाना है जैसे हम लोग हमारा कैनन का स्ट्रैप को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको अब कैमरा पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना अच्छा दिखता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं कैमरा पे इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस स्ट्रैप को कैमरे के साथ अटैच कर रखा है और मेरे कैमरे के साथ कितना अच्छा मैचिंग भी लग रहा है। और फ्रेंड्स मैं इसी स्ट्रैप से इसको उठा के भी देख रहा हूँ और जैसे आप देख सकते हैं ये इजीली उठा भी रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरीके का स्ट्रैप अपने कैमरे के लिए पसंद है तो आप इसको ईजिली घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।